फॉरेन स्टूडेंट्स नाइन्थ कक्षा में गणित विषय में हम 2.4 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। चैप्टर है बहुपद। हमने शून्य के निकालना सीख लिया था। बहुपद के सम्मुख दिए गए मान उसके शून्य है अथवा नहीं है ये सीख लिया था। इसके बाद में हमारा एक प्रश्न आ रहा है, दूसरा 2.4 का दूसरा प्रश्न। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हमें बताना है। इसके अंदर देखो कुछ सवाल दिए हुए, हम एक नंबर सवाल ले रहे हैं। px यहां पे दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx इसमें है एक्स प्लस। सवाल को दोबारा समझे, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताना है आपको कि प्रत्येक स्थिति में जो सम्मुख दिए गए हैं बहुपद वो इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं है ये जांच करनी है, या फिर जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है, पीएक्स ये इसका गुणनखंड ये है या नहीं है, यानी कि पीएक्स का गुणनखंड जीएक्स है अथवा नहीं। तो जिसकी हमें जांच करनी है उसको लिखो हल लगा के, जिसे हमें जीएक्स की जांच करनी है तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू शून्य कर दें, एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का शून्य निकालेंगे तो माइनस 1। अब आप लोग इसमें रख दो जो हमें पीएक्स दिया ना, पी एक्स में रखने पर। अब यहां पे जैसे ही हम लोग इस px व बहुपद में रखेंगे, इस बहुपद का मान यदि शून्य हो जाता है तब तो यह इसका एक गुणनखंड होगा वरना नहीं होगा। जैसे सबसे पहले p 0 x की जगह 0 बराबर 2x³, तो 2 इंटू एक्स का मान हमारे पास है, सॉरी यहां पे x का मान माइनस 1 है, शून्य कितना है px, x का मान यहां पे देखो माइनस 1 है, 2 × −1³ प्लस x² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × −1 टू एक्स है तो 2 × −1 और अंत में −1 है। इसको हल करते हैं हम, माइनस 1 जब 3 बार गुणा होगा −1 −1 −1 तो माइनस का 1 ही आएगा और माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस 1 का स्क्वायर है तो −1 × −1 होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस 2 को हम −1 से गुणा करेंगे, माइनस 2 को −1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे और माइनस का 1। यहाँ पे देखें तो प्लस के देखो 2 और 1 ये 3 हो गए और माइनस के 2 और 1 ये 3 हो गए, बचा क्या शून्य। अब यहां पे ये हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड है, यहां पे लिखेंगे इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। इसी तरह से जांच करनी है
केवल आपको शून्य के निकाल कर उस शून्य को उस बहुपद में रखोगे और जैसे ही उसका मान शून्य हो जाता है तब तो ये गुणनखंड होगा वरना वो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम एक को लेते हैं, एक सवाल इसी टाइप का वो लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, जैसे पी एक्स बहुपद है हमारे पास, एक्स की घात 3 माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स दिया इसमें एक्स माइनस तीन। अब यहां पे हमें इसकी जांच करनी है कि ये जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो जी एक्स लिखेंगे एक्स माइनस तीन है बराबर 0 बोल दो और एक्स बराबर ये 3, ये हमें पी एक्स में रखना है। पी एक्स में रखने पर जो पी एक्स का बहुपद है वो देखते हैं, तो पी एक्स की जगह 3 करते हैं बराबर एक्स की घात 3 यानी 3 की घात 3, एक्स की जगह हम 3 कर रहे हैं, माइनस 4 गुना इसको ब्रैकेट में ले लेना 4 गुना 3 की घात 2 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स है इसकी जगह 3 कर दो और प्लस के 6। ध्यान रखें ये जो भी मान आप एक्स की जगह रख रहे हैं उनको ब्रैकेट में ले, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 27, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, प्लस के 3 और प्लस के 6। अब देखो 27 प्लस के हैं 3 प्लस के, दोनों को प्लस किया तो 30 हो गए, 30 में 6 और प्लस किया तो 36 और माइनस के 36 है बराबर 0। इसमें भी ये है इसका एक गुणनखंड होगा यानी कि जी एक्स, इसलिए जी एक्स कोमा लगा के लिखो पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। इस तरह से ये सवाल आपको हल करना है। तो इसके अंदर ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं दूसरे प्रश्न में, वो तीनों प्रश्न नोट कर लेना आप और इनको फिर नोटबुक में करेंगे प्रश्न। यहाँ एक तो पहला तो ये ले लो, दूसरा नोट करें, दूसरा हमारे पास है पी एक्स बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 1। इसके अंदर जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है इसमें पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x + 1 और जी एक्स दे रखा है इसमें एक्स प्लस 2। बहुत ही सिंपल सवाल है, तीनों आप नोटबुक में करेंगे। उसके बाद में सवाल नंबर 3 आ रहा है, तीन नंबर सवाल यहां पर मैं उतार रहा हूं, ध्यान से देखिए। के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें के का मान ज्ञात करना है। हमारे पास बहुपद में हमें
के देगा। तो यहां पर मैं दो सवाल आपको समझा रहा हूं, जैसे एक तो पहला लेते हैं, पी अक्ष बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस के, बहुत ही सिंपल है। पहले सवाल को दोबारा समझें, इसमें ये सवाल में ये बोला गया है कि ये जो बहुपद दिया गया है ना पी एक्स, ये अक्ष माइनस एक का गुणनखंड है, प्रत्येक दशा में ये गुणनखंड है, अब की बार हमें जांच नहीं करनी है। तो इस के की जगह क्या मान आना चाहिए वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अक्ष माइनस एक बराबर जीरो और अक्ष का मान हो एक, हम वो पी एक्स में रखेंगे, पी एक्स में रखने पर पी एक्स हमारे पास था ही अक्ष स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी। अब की बार सामने क्या लाइन लिखना है आपको, जीरो लिखना है। कारण क्या है, जीरो क्यों लिखेंगे ध्यान से देखो, जीरो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह है एक्स माइनस एक, इस पी एक्स का ए गुणनखंड है, और ए गुणनखंड तभी बनता है जब उसका बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तब हम सामने जीरो रखेंगे। तो अक्ष स्क्वायर अक्ष का मान तो एक हो जाएगा क्योंकि अक्ष का मान दिया हुआ है, प्लस अक्ष एक और प्लस के बराबर एक का स्क्वायर निकालेंगे, एक प्लस के बराबर जीरो, एक में जोड़ेंगे दो प्लस के बराबर जीरो, इसलिए के बराबर माइनस का दो। आप लोग यहां पे आकाशिंग लगाए, के बराबर माइनस का दो आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से हम दूसरा सवाल लेते हैं एक और, जैसे पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट दो एक्स, ये अंडर रूट केवल दो पर है, प्लस एक। इसको देखिए ध्यान से, इसमें भी हमें वही जांच करनी है, के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो एक्स प्लस एक, इसी बहुपद एक्स माइनस एक बराबर जीरो, इसलिए एक्स बराबर प्लस का एक, कोमा लगा के लिखेंगे पी एक्स में रखने पर। अब हमारे पास पी एक्स बहुपद दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट दो एक्स प्लस एक बराबर जीरो करो। अब बराबर जीरो करो तो यहां पे ये भी लिख सकते हो एक्स माइनस एक पी एक्स का ए गुणनखंड है, ये दर्शा सकते हो गुणनखंड है, ताकि बराबर जीरो का हल निकल जाए। तो के गुणा अक्ष आ गया, अक्ष की जगह एक का स्क्वायर माइनस रूट दो गुणा अक्ष आ गया एक प्लस एक बराबर जीरो। अब यहां पे देखा हल करते हैं, एक का स्क्वायर एक आएगा, एक को के से गुणा करेंगे तो केवल के आएगा, रूट माइनस का रूट दो है, इसको एक से गुणा करेंगे तो माइनस के रूट दो और प्लस का एक है बराबर जीरो। अब हमें केवल के का मान निकालना है, देखो अंडर रूट है ही अपरिमेय संख्या है और ये एक है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय में नहीं जुड़ती है, ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसलिए के का मान निकालेंगे, यहां से ये दोनों संख्याएं उधर जाएगी, पक्षांतरण होगा इसका, तो माइनस का अंडर रूट दो इधर आया तो प्लस का अंडर रूट दो हो गया, और ये प्लस का एक जब यहां से इधर पक्षांतरण में आएगा तो माइनस एक, ये आपका आंसर रहेगा, या का चिन्ह अवश्य लगाएं। इस तरह से ये हमें जांच करनी है, ये गुणन सॉरी के का मान ज्ञात करना होता है। इसको उतार ले दोनों को, फिर इसका होमवर्क देखें। तो पहला प्रश्न तो ये था और दूसरा ये लिख लो, तीसरा चौथा मैं आपको लिखा रहा हूं, ये सेकंड बन जाएगा, थर्ड में आपको लिखवा रहा हूं,
पी अक्ष बराबर दो अक्ष स्क्वायर प्लस के अक्ष और प्लस केंद्र रूट दो। और इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन और है, पी अक्ष के अक्ष स्क्वायर माइनस तीन अक्ष प्लस की। ये चार प्रश्न अपने पास रहेंगे और चारों प्रश्न आपको ज्ञात करने। उसके बाद में अगले सवाल में जाते हैं, इसको उतारो पहले। सवाल हमारे पास आ रहा है बहुत ही शानदार, चौथा प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर चार है, गुणनखंड कीजिए या ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला है बारह एक्स स्क्वायर माइनस के सात अक्ष प्लस का एक। सेकंड भी लिख लेते हैं एक बार, सभी लिख लेते हैं हम, टू अक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री। थर्ड क्वेश्चन है छह एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस के छह। और चौथा है इसमें थ्री अक्स स्क्वायर माइनस का अक्ष माइनस चार। ये आठवीं क्लास में भी थे हमारे पास, यही गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड आठवीं क्लास में थे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसे हम हल कर रहे हैं, पहला 12 अक्ष स्क्वायर माइनस सात अक्ष प्लस एक। तो यहां पे लिखते हैं 12 अक्ष स्क्वायर माइनस सात अक्ष प्लस एक। सबसे पहले यहां पे अक्ष स्क्वायर का पहले पद में अक्ष स्क्वायर का गुणांक, देखो ध्यान रखें इसको सबसे पहले क्रम में लिखना है आपको। सबसे बड़ी घात पहले आएगी, उच्चतम घात, फिर उससे छोटी घात, अंत में अक्षर पद आता है। कई बार सवाल को घुमाकर देने के लिए ये सात अक्ष लास्ट में देता है माइनस का सात अक्ष, तो आपको इसको क्रम में लाना है। क्रम में लाने के लिए बता देता हूं मैं, सबसे पहले चरराशि वाला पद देखना है, उसकी उच्चतम घात सबसे पहले लाएं, तो इसमें पहले है, फिर उससे छोटी घात है और अंत में अक्षर पद रहता है। उसके बाद में प्रथम पद में चर राशि अक्ष है, जिसको अक्ष स्क्वायर है, यहां पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक देखना है आपको। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहां पे प्लस के बारह, और अंतिम जो अक्षर पद है उस एक है, इन दोनों को गुणा करवाएंगे तो बारह। पहले पद में जो संख्यात्मक मान है ना बारह, और अक्षर पद है अंतिम पद में, उन दोनों को गुणा करवाना है बारह है। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनको गुणा करने पर तो बारह आना चाहिए, दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनको दोनों संख्याओं को गुणा करने पर बारह आना चाहिए, और 19 संख्याओं को प्लस यानी योग और व्यवकलन या घटाना करने पर आपको बीच वाला लेना है, जैसे बीच में सात है तो सात लाना। तो यहां पे देखो बार इसकी जांच एक बार एक पहले सवाल में मैं पूरी बता देता हूं आपको, कैसे इस बारह में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। बारह में देखो, एक तो एक का जाता है एक गुणा बारह, दो का छह बार जाता है, तीन का चार बार जाता है। ये तीन इसके गुणनखंड बनेंगे। अब आपको सात बनाना है, या तो जोड़कर या घटाकर, तो बारह एक तो तेरह हो गए, और बारह में से एक घटाया ग्यारह, ये हमारे कोई काम का नहीं है। छह दो आठ होते हैं प्लस करने पर, तो छह में से दो घटा दें चार, ये भी हमारे काम का नहीं, हमें तो सात लाना है, ये सात है। चार और तीन को गुणा करते हैं तो बारह आ गया, चार में तीन जोड़ते हैं तो सात आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा थ्री प्लस फोर हो जाएगा, थ्री प्लस फोर, और तीन और चार को गुणा करने पर बारह भी आता है। तो यहाँ पे देखना आप, थ्री प्लस फोर है, आप पहले पद को ऐसा कैसा लिखते हैं, और उसके बाद में अंतिम पद को भी ऐसा कैसा लिख दें, केवल चेंज करना है, तो इस सात को चेंज करना है, ये जो सात दिया हुआ है ना इसको,
माइनस अक्ष, माइनस और अक्ष तो लिख दो और सात की जगह तीन प्लस चार कर दो या चार प्लस तीन कर सकते हो। उसके बाद कोष्ठक ओपन होगा, बारह अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष इन दोनों से गुणा होगा, ब्रैकेट ओपन होने के लिए माइनस तीन दोनों से, तो माइनस का तीन अक्ष और माइनस का चार अक्ष प्लस का। अब आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं इसे, और इस पहले जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, तीन अक्ष कॉमन आ गया, तीन अक्ष का भाग दो इसमें तो चार अक्ष, और तीन अक्ष का भाग माइनस तीन अक्ष तो माइनस का एक। यहां जो भी निशान है वो लेना है आपको, माइनस है तो माइनस लगाना है, यहां से कॉमन देखना है क्या रहा है, तो यहां से कॉमन एक आ रहा है, माइनस एक का भाग माइनस चार अक्ष में देंगे तो माइनस से माइनस तो प्लस होगी, और एक का भाग चार अक्ष में तो प्लस के चार अक्ष, माइनस एक का भाग प्लस एक में देंगे तो देखो भाग देने की प्रक्रिया और गुणा देने की प्रक्रिया में निशान यदि विपरीत होते हैं ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस एक का भाग माइनस प्लस एक में देंगे तो माइनस। आपको ये जांच रखनी है ये दोनों ब्रैकेट है वो समान आने चाहिए, यदि असमान आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं इसको गलत कर दिया है। तो यहाँ चार एक्स माइनस एक है और चार एक्स माइनस एक सेम आ गया है, इनमें से फिर कॉमन लेते हैं तो चार एक्स माइनस एक, और जो ब्रैकेट के बाहर बच गया इधर तो तीन एक्स बच गया और इधर माइनस का एक बच गया। ये इसके गुणनखंड होते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए एक को लेते हैं, चौथा हल चौथा कर रहे हैं, चौथा नहीं करके तीसरा कर लो क्योंकि चौथे में तो फिर बारह बन रहे हैं, तीसरा लेते हैं, छह अक्स स्क्वायर प्लस पांच अक्स माइनस के छह। तो मैंने आपको बताया था वैसे दोबारा देखे, अक्स स्क्वायर का गुणांक यहां छह है और अंतिम अचर पद है माइनस का छह, इन दोनों को गुणा करवाएंगे हम तो माइनस के छत्तीस, तो दो संख्याओं को गुणा करवाना है, दोनों को गुणा करवाने पर छत्तीस आना चाहिए और उनको प्लस माइनस करने, उन्हीं संख्याओं को प्लस माइनस करने पर पांच आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ प्लस के पांच है, तो छह एक्स स्क्वायर और माइनस के छह, पहले और अंतिम को ऐसा कैसा लिख दो, प्लस एक्स भी लिख दो, इसकी जगह हमें प्लस पांच को यहां से हटाना है, इसकी जगह नौ गुना चार होगा, देखो नौ को चार से गुना करते हैं तो छत्तीस आया और नौ में से चार घटाते हैं तो पांच है, ये दोनों काम हो रहे हैं नौ और माइनस चार, तो यहां नौ माइनस चार हो जाएगा, छह एक्स स्क्वायर प्लस का अक्ष इन दोनों से गुणा होगा तो प्लस के नौ अक्ष और माइनस के चार अक्ष और माइनस छह। अब यहां से दो दो के समूह बनाकर आप लोग कॉमन लेंगे तो यहां से थ्री एक्स कॉमन आया, थ्री एक्स का भाग इसमें सिक्स एक्स स्क्वायर में देंगे तो टू एक्स, प्लस थ्री एक्स का भाग नाइन एक्स में देंगे तो थ्री, और यहां से निशान देखना है माइनस का है तो माइनस लगाए, यहां से कॉमन लेंगे तो टू आ गया, उसके बाद में माइनस टू का भाग इन दोनों में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू एक्स, माइनस टू का भाग माइनस सिक्स में देंगे तो माइनस माइनस प्लस और थ्री आ गया। यहां ये देखना है दोनों ब्रैकेट समान आने से आ गया है, तो यहां से टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, दोबारा कॉमन ले रहे हैं दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए और जो बच गया वो बाहर तीन एक्स माइनस टू, इस तरह से ये गुणनखंड होगा। तो ये गुणनखंड करने वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेंथ क्लास में भी आएगा ऐसा प्रश्न, आप ये चारों प्रश्न करोगे, पहला और तीसरा मैंने बता दिया, दूसरा चौथा आप खुद करोगे, चारों प्रश्न अपनी नोटबुक में उतारें। थैंक यू।